हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप यू गाइस एब्सोल्युटली फाइन। मैं आज कुछ बोलने वाला हूँ जो आप सबके पास है, मतलब हमारे सबके पास है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है जिंदगी जीने के लिए, मतलब लाइफ को चलाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि मैं अपने हमारे सबके आंखों के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए। और पूरी वीडियो को जरूर देखना क्योंकि मैं अंत में कुछ बोलने वाला हूँ जो कि आप रिलेट कर पाओगे पूरी वीडियो में। आप किसी भी चीज की तरफ देखते हो तो फिर उस एक चीज को नहीं देखते हो, आप एक साथ 50 से भी ज्यादा चीज को देखते हो, मतलब आपकी आंखें जो है वो एक जगह पे फोकस बहुत कम कर पाता है, एक साथ 50 चीजों से भी ज्यादा चीजों में फोकस करता है, मतलब दिस इज द फैक्ट। क्या आपको पता है आपके पूरे शरीर में से दो अंग सबसे ज्यादा जटिल है, नंबर वन आपके ब्रेन, नंबर टू आपके आंखें, मतलब बहुत ज्यादा जटिल है, बहुत ज्यादा। ये इम्पॉसिबल है कि जब आप सीखोगे तब आपके आंखें खुला रहेगा, मतलब जब आप सीखोगे तो फिर आपकी आंखें बंद होगा ही होगा, मतलब ये सच है। आपने आज तक कितने अलग अलग कलर देखे होंगे, 500,000, लेकिन क्या आपको पता है आपके आंखें 10 मिलियन से भी ज्यादा अलग अलग रंगों के अंदर अंतर कर सकता है, सब 10 मिलियन अलग अलग कलर में अंतर कर सकता है आपकी आंखें, इट्स ऑसम। क्या आपको पता है आपके जो आंखें हैं, मतलब आपके आंखें के जो कलर्ड हिस्सा होता है ना, मतलब वो जो पीला वाला जो कलर्ड हिस्सा होता है, उसमें 256 से भी ज्यादा यूनिक फीचर्स होता है, मतलब बहुत कुछ होता है उसमें, आपका आइडेंटिटी छुपा होता है, बहुत कुछ है। जबकि आपके जो फिंगरप्रिंट है ना, आपके जो हाथ उंगलियों के, उसमें सिर्फ 40 होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है आपके आंखों में। ओमा का फोबिया बेसिकली एक टाइप का फोबिया होता है, मतलब ऐसा लगता है ना कहीं भी कुछ सिचुएशन है, मतलब कुछ लोग ऐसा लगता है ना कि कभी भी क्राउड पे या फिर कहीं पे भी आप फंस चुके हो अब, तो फिर आपको लगता हो ना कि यार मैं यहाँ से निकल ही नहीं पाऊंगा, तो ऐसे सिचुएशन को बोला जाता है ओमाटो फोबिया, जो भी कुछ लोगों को होता है। और अगर आप कुछ जानना चाहते हो ओमाटो फोबिया के बारे में, तो फिर मैं तो नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, फिर आप गूगल पे जाकर के देख सकते हो इसके बारे में, और ये जानना बहुत जरूरी है। क्या आपको पता है शार्क जो होता है, मतलब वो जो पानी में रहता है ना समंदर में, शार्क कुछ ऐसा हो जो वीडियो में आप देख रहे हो अभी, शार्क के जो आंखें होते हैं उसमें और ह्यूमन के जो आंखें होते हैं, इन दोनों आंखों में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली वो जो कॉर्निया होता है उसी में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो काफी सिमिलर है, और एक बार सर्जरी में भी इसे यूज किया गया था कॉर्निया को, तो वाव। क्या आपको पता है आपके जो आईबॉल है, मतलब वो जो पीला वाला जो हिस्सा है, उसमें 6 भाग में से सिर्फ एक ही भाग दिखता है और ज्यादा भाग नहीं दिखता है, मतलब ज्यादा नहीं दिखता है, उसमें सिर्फ एक ही भाग आपको बाहर दिख पाता है, मतलब आप जो देख पाते हो वो बहुत ही कम है जो आप देख पाते हो, ज्यादा से ज्यादा चीज आपको नहीं दिखता है, एंड इट्स अ फैक्ट। क्या आपको पता है आपके जो आंखें है वो छंट और शंकु से एक साथ मिला हुआ होता है, आपके जो छंट है वो आपके कुछ भी चीज आप देखते हो या फिर कुछ भी देखते हो उसके जो आकार है उसे देखने में मदद करता है, और जो शंकु है वो किसी भी चीज या कुछ भी जब देखते हो उसके रंगों को देखने में मदद करता है, मतलब इट्स ऑसम। मुझे कमेंट में सच सच बताना कि आपको ये पता था या नहीं। ऑप्टिक तंत्रिका में 1 मिलियन से भी ज्यादा तंत्रिका कोशिकाएं होती है, आप कितने दूर से कुछ भी देख सकते हो, तो आप अगर एक मोमबत्ती को 1.7 माइल दूर अगर कोई भी मोमबत्ती जल रहा होगा, तो फिर आप उतना भी दूर से 1.7 माइल दूर से आप उस मोमबत्ती के फ्लेम को देख सकते हो, मतलब आपकी आंखें उतना दूर देख सकता है, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल है आपकी आंखें, एंड इट्स अ फैक्ट। और इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है यार। आपने आज तक जितना भी कुछ सीखा होगा, मतलब जितना भी जो भी सीखे होंगे, उसमें सबसे बड़ा हाथ किसके है पता है आपको? नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। आप जो अभी ये वीडियो देख रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, मतलब आप कुछ भी सीख रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो है आपके आंख, मतलब आपके आंख अगर नहीं होंगे तो फिर आप बहुत परेशानी होगी आपको कुछ भी करने में। तो आपने आज तक जो भी सीखे होंगे, जो भी कुछ किए होंगे, उसमें 80% से भी ज्यादा आपके आंखों का ही हाथ होता है उसमें, और ये सच है। इसके लिए तो यार एक लाइक बनता ही है, मतलब कंजूसी मत करना यार, प्लीज एक लाइक कर दो ना यार, क्या जाता है, तो प्लीज कर दो, अभी कर दो, एक लाइक कर दो प्लीज। और हाँ, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताने वाला हूँ अंत में, आपने तो बहुत सारे लोगों के
वो जो आंखों में जो पीला वाला जो हिस्सा होता है, मतलब बहुत सारे लोगों के ब्लैक होते हैं और फिर कुछ लोगों के अलग कलर के होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कुछ लोग होते हैं, मतलब बहुत ही कम लोग होता है, 7 लाख में से सिर्फ 1 लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनमें ये होता है। एक ही इंसान में उनके जो 2 आंखें होते हैं, तो एक ब्लैक होता है और एक कुछ अलग टाइप के कलर होते हैं, मतलब एक इंसानों में 2 आंखें 2 अलग अलग होता है। और इसका जो इलाज है उसे हिटेरोक्रोमिया कहा जाता है। हमारे से ये लोग कुछ भी अलग नहीं है, बस वो रंगों का फर्क होता है और कुछ भी नहीं होता है। समझ रहे ना मेरा बात? तो मुझे कमेंट में बताना अभी कि अगर आपने कहीं पे भी ऐसे किसी को देखे होंगे, तो ये तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। मैंने आपको बोला ना, 7 लाख में से 1 इंसानों में ऐसे मिलता है, बहुत रेयर है। अगर कोई देखे होंगे तो भी प्लीज यार कमेंट में मुझे बताना। क्या आपको पता है आपके आंख शरीर के सबसे तेज संकुचन पेशियों में से एक है, जो हर सेकंड के 100वें हिस्से के भी कम समय में अनुबंधित होते हैं। मतलब अगर आंखों के सामने कुछ भी आ जाए तो फिर वो बहुत जल्दी बंद हो जाता है, क्योंकि भी आपके शरीर में से किसी भी अंगों से ये बहुत ज्यादा जल्दी होता है। और अभी जो मैं बोलने वाला हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आपने पूरा वीडियो अगर देखे होंगे, मतलब पहले से अगर एंड तक, मतलब अभी तक अगर देख रहे होंगे, तो फिर आपको पता चला होगा कि मैं जो बोलने वाला हूँ वो आप रिलेट कर पाओगे। आप जो पूरा वीडियो देख रहे थे उसमें आपने कितनी बार कलर झपकाया था, आपने कितनी बार ब्लिंक किया था, काउंट नहीं किया ना, मैं बताता हूँ। ये डिफॉल्ट है, ये सबका ही होता है, मतलब 12 बार से भी ज्यादा अब ब्लिंक होता है। आपकी जो आंखें हैं वो 12 बार से भी ज्यादा हर मिनट में ब्लिंक होता है। और इट्स अ फैक्ट, मुझे कमेंट में बताना कि अगर आपने, मतलब ये जो मैं बात कर रहा था अभी, इसी में आपने अगर पलक झपकाए थे, तो फिर मुझे कमेंट में बताना। संदेश से मत करना यार, प्लीज लाइक और कमेंट कर देना यार, प्लीज कमेंट कर दो, क्लिक कर दो कमेंट और लाइक भी कर देना। और हाँ, एक और बात जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, सब्सक्राइब करने के बाद वो नोटिफिकेशन बेल में प्रेस करना, ऑल कर देना उसे, वरना दिक्कत होती है। मतलब मैं अगर कोई वीडियो जाता हूँ तो उसे आप देख नहीं पाते, मतलब आपको नोटिफिकेशन नहीं जाती है और आप देख नहीं पाते, तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज कर दो ना यार, क्या जाता है, मतलब कर दो ना प्लीज अभी। और कुछ ऐसा होता है, टिंगल की आवाज आती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर आप ऐसा ही कुछ और देखना चाहते हो, मतलब किसी के अगर पार्ट 2 देखना चाहते हो, तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि सब कुछ तो मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ यार। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आप दूसरा पार्ट देखना चाहते हो तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्दी। सब तक के लिए गुड बाय, सब्सक्राइब कर देना यार।